सर हाँ बताइए। अच्छा सर रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लगा दो सर। रोल नंबर हाँ सर मैं, हाँ सर बिहार आया हुआ था सर, यहाँ बाढ़ आई हुई है सर, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अच्छा आप बिहार में हैं। हाँ सर बहुत भयंकर बाढ़ आई है यहाँ पे। हाँ अच्छा, तो कहाँ पे हैं बिहार में आप अभिषेक जी? रोल नंबर 2 नहीं, हाँ मैं समझ गया, अभिषेक कुमार दुबे जी, आप कहाँ पर हैं बिहार में? सर छपरा पे है। छपरा में, वहां काफी बाढ़ आई हुई है, अरे सर बड़ा बुरा हाल है सर, नेटवर्क बस अब जाने वाला है। तो कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट से हुई या नहीं हुई है? सर इतना नहीं पता सर। हाँ, नहीं मैं भी जो है ना उसमें रिसर्च कर रहा हूँ, बिहार का जो फ्लड सिचुएशन पे मैं रिसर्च पेपर बना रहा हूँ। आप एक दो फोटो हमें भेज दीजिए वहां का, छपरा का। हाँ सर भेजता हूँ। हाँ भेजिए, मैं रिसर्च पेपर बना रहा हूँ कि कैसे जो है बिहार के लोगों को हेल्प किया जाए, हाँ और सर ठीक है, भेजता हूँ भेजता हूँ। हाँ, तो बाढ़ के सिचुएशन में कैसे जो है हाँ प्लानिंग, सर बिल्कुल सर। हाँ कैसे जो है वहाँ को कैसे जो गवर्नमेंट क्या प्लानिंग करे कैसे करे, उस पे मैं पेपर बना रहा हूँ, रिसर्च पेपर बना रहा हूँ। सर रोल नंबर 2 के अटेंडेंस लगा दो सर। हाँ रोल नंबर 2 का मैंने लगा दिया। तो हम लोग जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिलेटिंग विद द पीपल, टीम बिल्डिंग एंड द लीडरशिप पे काम कर रहे थे। टीम बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, टीम को आगे बढ़ाना वो लीडर का काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, फंक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, हमने भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसमें कोई भी टीम को बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट वो आपको जरूरी है, इफर्ट करना, टीम को साथ लेके चलना, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको उसको ध्यान में रखना, टीम के हर एक आदमी के साथ जो है कम्युनिकेशन करना, ये इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस करना, स्टॉर्मिंग स्टेज में लाना, वो आपको बहुत जरूरी है, रेस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन करना हर एक टीम मेंबर से, वो आपको जरूरी है। दूसरा जरूरी है एस्टैब्लिशिंग द टीम नॉर्म्स, टीम के क्या रोल्स हैं, हर एक आदमी का क्या रोल्स होगा, क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉलेजेस देखा मैंने, कई कई यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया हूँ, बहुत सारे कॉलेज में काम किया हूँ, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता ही नहीं है किसी को, रोल वो डिफाइन ही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट में तो थोड़ा सा डिफाइंड रहता है कि भाई ये लैब स्टाफ है, ये आपको आपको लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, वहां थोड़ा सा डिफाइंड है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेजों में बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, जो भाई डायरेक्टर का क्या काम है, प्यून का क्या काम है, लैब प्रोफेसर का क्या काम है, बिल्कुल डिफाइन नहीं है, आपस में झगड़ा होते रहता है, आपस में झगड़ा होता है। तो इस्टेब्लिशिंग द टीम नॉर्म्स इज जो है एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द टीम। जो फेलियर हो रहे हैं ना प्राइवेट कॉलेजेस, जो फेलियर हो रहे हैं, और ये इसका कारण वही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट नहीं है, विच वर्क जो जो आपको मल्टीनेशनल कंपनी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में हायरकी होता है, हायरकी होता है, और वो हायरकी के अकॉर्डिंग काम करता है, एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, डिप्टी जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर होता है, उसके बाद सारे होते हैं, वो जो है आपको इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और वो काम करते हैं। इंडियन इंडस्ट्री में ऐसा है ही नहीं, मालिक ही ना खुद जो है वो प्यून से बात करेगा कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे हायर की नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है फेलोअर ज्यादा है, इंडियन कंपनी में फेलोअर ज्यादा है, हायर की नहीं है, जो मैनेजमेंट में हायर की बोलते हैं ना, हायर की स्ट्रक्चर, वो आपको यहाँ पे नहीं है, नॉर्म्स नहीं है यहाँ पर, कुछ रो है, वो क्या किसका रोल्स है, क्या किसका राइट्स है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टीम मेंबर का क्या काम है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो
ये establishing the team norms for the success, ये आपको जरूरी है, हर एक आदमी को ये बताना जरूरी है कि उसे करना क्या है डे बाय डे। यहाँ पर क्या है ना, डे बाय डे इंस्ट्रक्शन आपको आपको दिया जाता है कि इसको बुलाओ जी, उसको बुलाओ जी, इसको बुलाओ जी, ये नहीं होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा नहीं है, आपको अपॉइंट कर दिया गया, अपॉइंटमेंट में साथ में आपको टीम के जो नॉर्म्स हैं आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया गया, रिटर्न में दे दिया गया, और फिर रिटर्न में आपसे मांगा जा रहा है 6 महीने के बाद की बताइए आपको जो दिया गया था आपने क्या क्या उसमें परफॉर्मेंस किया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वो कह रहा है परफॉर्मेंस बताइए आपने क्या क्या किया। तो टीम नॉर्म्स को डिफाइन करना और टीम परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली मैनेज करना ये बहुत जरूरी है। नेपोलियन को याद करते हैं, क्यों नेपोलियन को याद करते हैं, नेपोलियन वाज ए ग्रेट लीडर, उसके जो टीम जो उसकी जो टीम थी ना वो ग्रेट था, वो सभी को बिल्कुल सही असाइन करता था और सही परफॉर्मेंस में ले करके वो जो है वो अपना अपना वार जीतता जाता था। तो ये परफॉर्मेंस आपको आपको जो है वो इफेक्टिवली आपको ये आपको टीम वर्क से होता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एलोन। तो इसमें कोई भी चीज को अचीव करने के लिए आपको टीम जो है आपको बनानी पड़ेगी, टीम मैनेजमेंट आपको आपको करना पड़ेगा। ये जो है आपको आपको टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आपको अगर टीम में कोई आदमी नहीं कर रहा है ना, कोई आपको टांगे खींच रहा है ना, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं करे। कोई भी एक भी आदमी आपको आपको टांग खींच रहा है और निगेटिव जा रहा है तो फिर आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं करेगा, वो प्रोजेक्ट में फेलोवर आपको निश्चित आपको आपको लिखा हुआ है। तो ये आपको टीम का काम है। एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड द टीम डिसबैंडिंग स्टेज, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में सभी का लीडरशिप का जो रोल है वो आपको बताता है कि भाई हर एक स्ट्रॉन्ग इथिकल लीडर होना चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लीडर होना चाहिए, उसको जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में सभी पीपुल को लेके जाना चाहिए, सभी डायरेक्शन में जो पीपुल जो है वो पीपुल को लेकर के आपको जाना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है कि ग्रेट स्पीकर और ग्रेट पॉलिटिशियन का यही काम है लीडरशिप का। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कर रहे हैं, ही वॉज द ग्रेट लीडर ग्रेट पॉलिटिशियन। क्या करना है नहीं करना है उनका उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है। तो जो जो काम होता है वो ग्रेट पॉलिटिशियन का एक विजन होना चाहिए, हैविंग ए विजन, विजन होना चाहिए कि वो करना क्या है, ऑन देन गाइडिंग टू देम बी एबल टू मेक ए विजन ए रियलिटी। पहले विजन बनाइए, गोल डिसाइड कीजिए कि करना क्या है, उसको फिर रियलिटी में आपका आप कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वर्ल्ड, उनको उनको वर्ल्ड लीडर माना जा रहा है, वर्ल्ड लीडर माना जा रहा है। हमारे यहाँ रिसोर्सेस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है वो पुट्स हिम इन अ वर्ल्ड लीडर में पुट अप कर रहा है। अभी भी हम लोगों ने कई मेडल्स जो है ले लिए हैं, जो 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 ओलंपिक में पहले कभी नहीं ले पाए थे, उनका उनका विजन जो है वो काम कर रहा है। तो कल जो हम बात कर रहे थे आपको फंक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर का बात कर रहे थे, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर का बात कर रहे थे, एंड डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर रहे थे, एंड नाउ द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। मैंने आपको पहले ही आपको बताया कि अथॉरिटी पहले डेलीगेट कीजिए, वो इंडियन कंपनी में नहीं होता है, ये मल्टीनेशनल कंपनी में जिस दिन से आपने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के साथ ही आपको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया जाता है कि ये काम करना है, ये अथॉरिटी आपको डेलीगेट किया गया, यू आर इंडिपेंडेंट टू डू इन द कंपनी। वहां पे एक हायरकी होता है, वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक एक एक, एक हायरकी होता है कि ये कंपनी का सीईओ है, सीईओ जो बोलेगा वो सारे करेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी इज ए की टू द मैनेजरियल जॉब। प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही है, जो भी प्रोजेक्ट आपको करना है उसमें पहले अथॉरिटी आप डेलीगेट कीजिए। डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी इन्वॉल्व्स द असाइनिंग ऑफ ड्यूटी एंड टू द सबऑर्डिनेट्स, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसको असाइन कीजिए, ड्यूटी असाइन कीजिए। डेलीगेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट टू इनेबल देम टू डिस्चार्ज द ड्यूटी असाइन टू देम, एजम्पशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स भी
जो है उसको करने को तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अथॉरिटी दे दिया, सबॉर्डिनेट्स करने को राजी नहीं है। तो एजम्पशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय द सबॉर्डिनेट्स ये आपको होना चाहिए। ये आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जिस दिन जो है सही रूप से हमारे इंडियन कंपनी इंडियन मैनेजर अडॉप्ट कर लेंगे, हमारा भी कंपनी जापानीज कंपनी की तरह हो जाए। कोई लैकिंग नहीं है इंडियन पीपुल में, इंडियन पीपुल आर द हार्ड वर्किंग। जो जो इंडिया के जो लोग हैं ना वो कहीं भी जाते हैं वर्ल्ड में ना वो तुरंत जो है आपको जो है सेट हो जाते हैं। वो चाइना जाते हैं चाइना सेट हो जाते हैं, अफगानिस्तान जाएंगे अफगानिस्तान में सेट हो जाएंगे, दुबई जाएंगे दुबई में भी ठीक से काम करेंगे, यूएसए जाएंगे यूएसए में भी ठीक से काम करेंगे। किसी भी कल्चर में इंडियन पीपुल जो है आपको अच्छी तरह शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो क्वालिटी जो इंडियन पीपुल का है वो आपको दूसरे कंट्री का पीपुल में आपको 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 नहीं मिलेगा। द बिल्डिंग द प्रोजेक्ट टीम, आपको प्रोजेक्ट टीम आपको बनाना ही पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए एक आदमी से काम नहीं होता, कोई भी मैच जीतने के लिए टीम चाहिए। उसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको टीम चाहिए। वहां पर कौन जनरल मैनेजर है, कौन जो है डीजीएम है, कौन जो है मैनेजर है, ये आपको टीम चाहिए वहां पर। सेलेक्टिंग द योर टीम, आप अपना टीम को सेलेक्ट कीजिए। हु विल बी द राइट पीपुल, यू चूज द राइट पीपुल फॉर द डैम, दे हैव द स्किल्स एंड एबिलिटी एज दे हैव टू अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट के लिए जो क्वालिफाइड पीपुल है उसके लिए उसको एबिलिटी होना चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ द स्किल्स होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए रेदर देन द सीरीज ऑफ द क्लॉन्स, ये उसको होना चाहिए। सेट ए टोन एंड द ग्राउंड रूल्स, आप ग्राउंड रूल्स सेट कीजिए, एक टोन सेट कीजिए, ग्राउंड रूल्स फिक्स कीजिए कि व्हाट विल बी द रूल्स टू वर्क देन। दीज ग्राउंड रूल्स बी सेट इन द फर्स्ट टीम मीटिंग, जब फर्स्ट टीम मीटिंग करेंगे उसी में ग्राउंड रूल्स आप बना लीजिए और उसमें जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का स्टेज का कंप्लीशन का सारा चीज रेडी कर लीजिए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज में भी यही होता है, कैम्ब्रिज में जब अब जैसे ही कोई बच्चा ज्वाइन करता है ना तो उसको सारा प्लान दे दिया जाता है कि ऐसे ऐसे लेक्चर होगा, ऐसे ऐसे आपको असाइनमेंट जमा करने होंगे, ऐसे ऐसे आपको 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 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेंगे और इतने दिन में आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो जाए, है ना। वो टाइम बॉन्ड है, टाइम बॉन्ड है। वहां के जो वाइस चांसलर है वो यही देखते हैं कि भाई वहां पे हो क्या रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग जो हमने टाइम फ्रेमवर्क किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो यही देखते हैं। वो उनका कंप्लीट ग्राउंड रूल्स है, वो पहले वो वहां पर सभी कंट्री के बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहां पर कंप्लीट ग्राउंड रूल है कि यहाँ पर इस दिन ये होगा इस दिन ये होगा, कंप्लीटली फिक्स है। वही चीज जो टीम बिल्डिंग है वही आपको एडॉप्शन के लिए आपको आपको काम आना चाहिए। सेटिंग क्लियर गोल्स, गोल्स ही यहाँ पे क्लियर नहीं है, गोल्स ही क्लियर नहीं है। अचीव द गोल्स, कैम्ब्रिज वगैरह का क्लियर गोल्स है कि वो जो है आपको रिसर्च में और रिसर्च ओरिएंटेड है, उसको नोबेल प्राइज लाना है। कहाँ पर वो ऐसे फर्जी डिग्री बांटा नहीं करते कि भाई पैसे ले लिया उसको डिग्री दे दो, ऐसे नहीं देते हैं वो भाई। वो इन्वेंशन होनी ही चाहिए अच्छे जर्नल में, इम्पैक्ट फैक्टर वाले में आपको पब्लिकेशन होना ही चाहिए, तभी पीएचडी की डिग्री मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। आप नाक रगड़ के मर जाइए वहां पे डिग्री ऐसी नहीं मिलने वाली। तो सेटिंग द क्लियरली गोल्स, अचीवेबल गोल्स, जो कि स्पिरिट से टीम स्पिरिट से टीम इंथोजियम से आपको गोल को अचीव किया जा सके उस गोल को सेट किया जाता है। डू डिस बाय द सेटिंग ऑफ द स्मॉल इजीली अटेनेबल गोल्स, अटेनेबल गोल्स को सेट किया जाता है। वहां पर जो है कमिटी होती है, रिसर्च कमिटी होती है, रिसर्च कमिटी आपको जो है फिक्स करती है कि भाई वहां पे कौन कौन से प्रोफेसर हैं, कौन से जो है वहां पे रिसर्च स्कॉलर आया हुआ है, तो उसको जो है ये कमिटी फिक्स करेगी और वो कमिटी डिसाइड करेगी कि भाई इसने क्या काम किया है, उसका जो है रेगुलर उसका फीडबैक बनेगा, 6 महीने में फीडबैक बनेगा, उसका रिपोर्ट जाएगा कि रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, तभी जो है आपको यहाँ पर आपको आपको जो है क्लियर होगा। गोल्स क्लियर होना चाहिए और टीम स्पिरिट होना चाहिए, टीम इंथोजियम होना चाहिए। आईएम में अच्छे अच्छे प्रोफेसर है वहां पर रिसर्च पेपर निकल के आते हैं, आईआईटी में अच्छे अच्छे प्रोफेसर है वहां पे निकल के आते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं निकल के आ रहा।
वहां पे गोल क्लियर नहीं है, एंथोजम क्लियर नहीं है, टीम स्पिरिट क्लियर नहीं है, वहां क्लियरली डिफाइंड रूल्स नहीं है, टीम में काम करने का किसी को हैबिट नहीं है, यही सबसे बड़ी लैकिंग है आपको वहां पर जो है। तो ये गोल्स जो है अच्छे अर्ली अचीवेबल गोल्स जो है, हर एक प्रोजेक्ट का अपना अपना गोल होता है और उसको सेट करना जरूरी है, कम्युनिकेशन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन इज देयर। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्रोजेक्ट टीम मेंबर को सही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन करना, क्या क्या करना है नहीं करना है वो जरूरी है। इंकरेज द फोस्टर फॉर द कॉपरेशन, कॉपरेशन के लिए इंकरेज करना जरूरी है ना। कम्युनिकेशन विल इट इज इन द एवरीवन्स वन इंटरेस्ट, देन द दीज गाइडलाइंस ऑन देयर वन सर्टनली नॉट इनफ द गारंटी ए फुल्ली फंक्शनल सक्सेसफुल टीम विल बी देयर। कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, राइट कम्युनिकेशन एट द राइट टाइम होना जरूरी है। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन होते हैं किसी इंडस्ट्री में। तो ये कम्युनिकेशन होना राइट कि व्हाट द कंपनी सीईओ वांट्स, कंपनी का सीईओ क्या चाहता है और वो उसको कम्युनिकेट करता है और उसी पे सारे जो है काम करते हैं। तो डेली जो है उसका कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए कि भाई कंपनी का सीईओ करना क्या चाह रहा है ना। तो एस्टैब्लिशिंग द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टैगलिंग के लिए आपको 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 जरूरी है, इंटरप्रेन्योरियल ड्राइव होना जरूरी है, स्किल होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, 90% ऑफ द यूके कंपनी इंप्लॉय लेस देन 10 पीपल। स्टार्टिंग ए लार्ज प्रोजेक्ट इज के कीन सेटअप ए कंपनी इन टॉप 10% ऑफ द यूके कंपनी बाय द साइज। यूके में जो काम होता है ना वो परफेक्ट काम होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो परफेक्टली काम होता है। द पीपल ऑफ द यूके वांट्स द हाउ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड, हाउ द वर्क कैन बी डन। जापान की जो कंपनी है, यूके की कंपनी है, ये सारा वहां पे टीम वर्क होता है और जनरल मैनेजर हर एक आदमी का देखता है कि कौन कहां पे काम कर रहा है, कौन कहां पे लैग कर रहा है, उसको वो सपोर्ट करता है ना। वो देखता है कि कौन आदमी नया हुआ है, उसको कंपनी का रूल्स उसको 6 महीने पहले सिखाता है। जापान में जाइएगा, जापान पहले तो आपको जापनी लैंग्वेज पहले 6 महीने आपको सीखना पड़ेगा, जापनीज कल्चर आपको सीखना पड़ेगा और फिर वर्ल्ड कल्चर सीख करके तब जो है आपको जो है टीम के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है किसी काम में। अगर टीम वर्क में आप काम नहीं कर पा रहे ना तो आपको फेलियर निश्चित है। आप हर एक आदमी को पहचानिए, हर एक आदमी को जानिए कौन कौन क्या काम करता है और उसके साथ में आप काम करिए, मिल के काम करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये डिफिनेट है। सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर इज द इम्पोर्टेंट, पहले आप सिलेक्शन जो है सही आदमी का आप जो है टीम में आप सिलेक्शन कीजिए और हर एक आदमी का कैपेबिलिटी को पहचानिए कि कौन क्या कर सकता है नहीं कर सकता है उसके पहचानिए और उसको सभी को बूस्टअप कीजिए और बूस्टअप करके उसको आगे बढ़ाइए, उसको बूस्टअप करके उसको आगे बढ़ाइए, ये जो है उसका काम है ना। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, वही मैं आपको बोल रहा था, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम होता है। जनरल मैनेजर सिर्फ डिप्टी जनरल मैनेजर से बात करेगा, दूसरे से बात नहीं करता है, दूसरे से बात नहीं करता, सिर्फ डिप्टी जनरल मैनेजर से बात किया, वो ऑफिस आया फिर डिप्टी जनरल मैनेजर से मिला, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारे कंपनी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और वहां पर उसको डिप्टी जनरल मैनेजर से साइन कराया कि आप इस पे एग्री हैं कि नहीं है, आप इस पे एग्री हैं तो साइन कीजिए और ये कितने दिन में खत्म होगा वो हमें बताइए और ये सारा काम करवाइए। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बहुत जरूरी है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किसी कंपनी में अगर सही ढंग से काम कर रहा है तो कंपनी आपको सक्सेस करेगा ही करेगा। जो जनरल मैनेजर है वो आपको 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 जो है सक्सेस करेगा ही करेगा। एग्जांपल ऑफ द यहां पर दिया हुआ है प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्योर होना चाहिए। जो हायर लीडर है वो लोअर लीडर से बात ही नहीं, वहां पे वहां के उसके प्रॉब्लम को वो उसको समझने की जरूरत ही नहीं है।
एक एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा, उसको लिखा हुआ रहेगा, तो कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन आसानी से डेवलप करेगा, आसानी से डेवलप करेगा। इंडिया में क्या होता है ना, जो जो मालिक रहता है ना, वो किसी भी एम्प्लॉय से मिलेगा, एम्प्लॉय से बात करेगा, और जो जो हायर अथॉरिटी है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उसकी बात ही नहीं सुनेगा। डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात ही नहीं सुनेगा। जनरल मैनेजर क्या कहना चाह रहा है, डिप्टी जनरल मैनेजर क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात ही नहीं सुनेगा। सर अटेंडेंस होगी क्या? नहीं अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस ले ले रहे हैं, अभी ले ले रहे हैं। आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, आकाश जी 3 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, कार्तिक परासर जी इज प्रेजेंट, पवन नेगी इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, कौशल जी 25 इज प्रेजेंट, शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। तो जो जो प्रेजेंट हैं उसको मैं फिर से आपको बता रहा हूं, शेखर जी 18ME041 इज प्रेजेंट, कौशल जी 25 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 18ME23 इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी 18ME30 इज प्रेजेंट, कार्तिक परासर जी इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान 22 इज प्रेजेंट, हृदेश परासर जी 18ME19 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18ME18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 18ME016 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट। ये सारे हमारे प्रेजेंट हैं। तो आज मैं बात कर रहा था कि टीम बिल्डिंग का, हाउ द टीम बिल्डिंग हेल्प इन द केस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको किस तरह आपको आपको जो है आपको आपको हेल्प करता है। यहाँ पर आपको टास्क फोर्स बनाने के लिए कई तरह के टास्क फोर्स बनाया जाता है। गवर्नमेंट जो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज मेड कई टास्क फोर्स बनाते हैं कि यहाँ का टास्क फोर्स यहाँ यहाँ का बनाइए, वहां का टास्क फोर्स बनाइए, वो ये टास्क फोर्स है ना। टास्क फोर्स बनाते हैं कि भाई यहाँ का जो यहाँ भेजना है उसका एक टास्क फोर्स बनाइए, यहाँ का भेजना है यहाँ पर टास्क फोर्स बनाइए। यहाँ पे आपको गोटेमेला का आपको प्रेसिडेंट का जो है एग्जांपल दिया गया है, एलोवेरा कोलम डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द नॉर्थर्न स्टेट, तो उसका आपको दिया हुआ है कि भाई जब तक कि आप टीम में काम नहीं करेंगे ना, विजन में काम नहीं करेंगे ना, तो आपको आपको वो काम सक्सेस नहीं होगा। तो एक लीडर को विजनरी होना चाहिए, विजन होना चाहिए, उसको मिशन उसको क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें नेशन के लिए काम करना है। वी हैव टू वर्क फॉर द नेशन, वी हैव टू वर्क फॉर द होम, वी हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी, वी हैव टू वर्क फॉर द देम। तो यहाँ पर आपको कई एग्जांपल आपको यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ये आपको यहाँ टीम वर्क में आपको आपको काम करने के लिए बताया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कहा जा रहा है, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पर आपको दिया गया है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पहले फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस इन द यूएसए इन द अर्ली 1960, है ना, 1960 में यूएसए में पहली बार जो है इंट्रोड्यूस हुआ। इट वॉज देयर टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री, एयरोस्पेस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको इंट्रोड्यूस हुआ, पहली बार यूएसए में आपको इंट्रोड्यूस हुआ। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन यहां पे दिया हुआ है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक तरह का स्ट्रक्चर है, दूसरी तरह का स्ट्रक्चर है, उसका कॉम्बिनेशन करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा था ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किताबों में सारे पढ़ते हैं, बीबीए के स्टूडेंट एमबीए के स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, लागू नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, वो लागू नहीं करते हैं। बीबीए का हर एक स्टूडेंट जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एमबीए का हर एक स्टूडेंट जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इंजीनियरिंग का भी हर एक स्टूडेंट जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कि उसको जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करता। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का आपको कॉम्बिनेशन है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरह का ऑर्गेनाइजेशन को आपको जो है वो आपको कंबाइन करता है। यहां पर आपको आपको दिखाया गया है, दो तरह के एग्जांपल आपको आपको दिया गया है, एक तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आप जिसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, आरएनडी हो गया, है ना, और परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये हो गया। दूसरा आपको डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, है ना, ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर ए प्रोजेक्ट मैनेजर बी आपको ये हो गया। तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। देखिए ये ये एक तो प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट ए मैनेजर, प्रोजेक्ट बी मैनेजर, प्रोजेक्ट सी मैनेजर, प्रोजेक्ट डी मैनेजर एंड प्रोजेक्ट ई मैनेजर, ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। दूसरा ये फंक्शनल है, परचेज मैनेजर को जो कौन है कंपनी में, प्रोडक्शन मैनेजर कौन है कंपनी में, आरएनडी मैनेजर कौन है कंपनी में, मार्केटिंग मैनेजर क्या है कौन है कंपनी में, फाइनेंस मैनेजर कौन है कंपनी में, और इसी दोनों को मिला करके प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर को मिला करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, है ना, दोनों को मिला करके आपको जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बोलते हैं। इंप्लाई इन ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन डे टू डे परफॉर्मेंस टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजर का आपको इंप्लाई जो है डे टू डे परफॉर्मेंस, देखिए कितना बात लिखा हुआ है, डे टू डे परफॉर्मेंस टू द प्रोजेक्ट मैनेजर को वो देता ही देता है, फ्लो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो आपको डेली देगा रिपोर्ट कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको उसको उसको आपको आपको डेली बताएगा। इसी से जो है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी काफी राइज करती है, काफी राइज करती है, तो हमारा जो जापानीज कंपनी है वो सारे वर्ल्ड में आपको छा गया है, कारण यही है उसका जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियर है, उसका जो गोल है वो आपको आपको क्लियर है। फीचर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर फीचर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया हुआ है, द फैकल्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आर द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज सो बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट कॉम्बाइन्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विद ए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है ये आपको आपको कवर करता है ना, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसका, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें एक एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो आपको यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बारे में आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया है, उसमें दो और मोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। फंक्शनल मैनेजर, द फंक्शनल मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तभी जो है आपको सक्सेस होता है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर आपको यहाँ पे डिसाइड किया गया, ही डिसाइड्स हाउ टू डू द वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। मैंने बहुत सारा यूनिवर्सिटी में काम किया है, वो क्या है ना कि वो सिर्फ अपॉइंट कर दिया और फिर वो कहता है कि भाई ये करो वो करो, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न में देता ही नहीं, उसको करना क्या है, उसको अपॉइंट करता ही नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं देता है। आप आपने भी सुना होगा कई जो है आपके जो फर्म है आपके गुड़गांव में फरीदाबाद में, वो अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं देता, अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं करता वो। तो यही मेन डिफरेंस है आपको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का राइज करने के लिए, आपको जब आदमी की जरूरत ही नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने की जरूरत ही नहीं है, तो आप अपॉइंट क्यों कर, आपको जरूरत है तो उसको अपॉइंट कीजिए, उसको सही डायरेक्शन दीजिए, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसको परफॉर्मेंस चेक कीजिए, वो कर रहा है नहीं कर रहा है उसको परफॉर्मेंस चेक कीजिए। तो जो आपको जो पब्लिक सेक्टर का फेलोवर इंडिया में हुआ, स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री का जो फेलोवर इंडिया में हुआ, उसका मेन कारण जो आप देखेंगे तो आपको टीम बिल्डिंग नहीं है, उसमें टीम वर्क नहीं है। हमने कई केस स्टडी किया हुआ है, इंडिया के कई कंपनी का केस स्टडी हमने पब्लिश किया हुआ है, हमने देखा है कि वो ये एक तो डाटा आपको नहीं देंगे,
डाटा आपको नहीं देंगे अपनी कंपनी का। अब जब डाटा ही नहीं देगा तो आप उसको रिसर्च करके आप उसको बताएंगे क्या, सुधारेंगे क्या उसको? एक तो वो अपने अपनी कंपनी में बोलेगा कि मैं घुसने ही नहीं दूंगा अपने कंपनी में, मैं घुस। हाँ बताइए सर, अटेंडेंस हो गया क्या? आपका आपका शुभ नाम क्या है सर? ऋषभ नायक। नहीं, ऋषभ नायक जी के मैं अभी बना दे रहा हूँ आपका। ओके सर, ऋषभ नायक जी का हो गया। और किसी का रह रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर क्लियर होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं देंगे तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फील होगी? तो उसमें अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में सारा चीज उसको डिफाइन होना चाहिए, उसको करना क्या है, 6 मंथ के अंदर करना क्या है, 1 मंथ के अंदर करना क्या है, फिर उसका परफॉर्मेंस चेक कीजिए। और जो आपने परफॉर्मेंस दिया हुआ है, गोल दिया हुआ है, वो अटेनेबल गोल होना चाहिए कि वो कर सके। ही डिसाइड हाउ टू डू द वर्क, ही डिस्ट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट अमंग हिज सबॉर्डिनेट, सारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसमें जो है प्रोजेक्ट को आप उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। ही लुक्स आफ्टर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट, सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट को वो देखे, है ना? ये होना जो जरूरी है। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको दिया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर का मैंने पहले भी आपको उस दिन क्लास लिया हुआ था। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ही हैज फुल अथॉरिटी ओवर द फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज व्हिच कैन यूज फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर आर ही डिसाइड व्हाट टू डू, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट वर्क, he is responsible for scheduling the project work, he coordinates the activity of the different functional members, he evaluates the project performance, wo project performance ko wo dekhta hai, he coordinates the activity of the different functional manager, usko wo dekhta hai, hai na? Problem of the unity of the command, jab tak aapka unity nahi rahega, Napoleon kyun jeeta, kyun aapko vishvajeta ban gaya, uska unity of command tha, wo जो भी काम करता था वो यूनाइटेड वे में करता था। अच्छा, जो जनरल मैनेजर जो बोलते हैं ना, बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स का भी यही है, जेफ बजाज है, उनका भी वही है कि भाई उनका यूनिटी ऑफ कमांड है अपने कंपनी में, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किस आदमी की जरूरत है, वो सही आदमी को पहले तो रखेगा और उसको सही डायरेक्शन देगा और काम कराएगा। Unity of command होना चाहिए। In the matrix organization, there is a problem of the unity of command because the subordinates receives order from the two bosses, है ना? The project manager and the functional manager. Hence the confusion is there. ये आपको unity of command की यहाँ पर आपको 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 problem आपको matrix organization में आता है। Specialization. In matrix organization, there is a specialization. वहाँ पर जो आपको specialization है, the project manager concentrates on the administrative aspect of the project. आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट पे आपको आपको कोऑर्डिनेट करता है, कंसंट्रेट ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के प्रोजेक्ट पे आपको काम करता है। सुटेबिलिटी होना चाहिए। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर द मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सुटेबल है। इट इज मेनली यूज्ड बाय द लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का आपको यूज किया जाता है। ईच प्रोजेक्ट इज लुक्ड आफ्टर ए प्रोजेक्ट मैनेजर, यहां पर एडवांटेज ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कितने एडवांटेजेस हैं आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। 8 एडवांटेजेस हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, है ना? हायर इफिशियंसी, इफिशियंसी ज्यादा होती है, हायर रिटर्न एट द लोअर कॉस्ट, हायर रिटर्न देता है एट द लोअर कॉस्ट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का आप यूज करेंगे तो आपको हाई रिटर्न देगा। आप जिस कंपनी में जाइए, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे प्रोजेक्ट कीजिए और वहां के जनरल मैनेजर है उसको उसको समझाइए, कहिए कि भाई मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आप उसमें इंप्लीमेंट कीजिए, उससे आपको आपको कई बेनिफिट्स हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मोटिवेशन देता है ये, द एम्प्लॉई वर्क एज ए टीम सो दे आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर, है ना? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लाई वर्क एज ए टीम, इम्प्लाई जो है टीम के रूप में काम करता है और वो परफॉर्म बेटर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज देयर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज आर देयर इन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मेनी प्रोजेक्ट्स आर रन एट द सेम टाइम,
इट मेक्स ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस. ह्यूमन का फिजिकल रिसोर्सेस का आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेता है. देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस इन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है. ये इसके एडवांटेज है. स्पेशलाइजेशन इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए स्पेशलाइजेशन. हर एक आदमी स्पेशलाइज होता है. द फंक्शनल मैनेजर कंसंट्रेट ऑन द टेक्निकल मैटर्स व्हाइल द प्रोजेक्ट मैनेजर कंसंट्रेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. है ना, दो तरह का काम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, एक जो है टेक्निकल मैटर्स का काम होता है. तो फंक्शनल मैनेजर जो है आपको टेक्निकल मैटर्स पे कंसंट्रेट करता है और प्रोजेक्ट मैनेजर कंसंट्रेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे काम करता है. है ना, इन ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन होता है. तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट कीजिए. है ना, यूएसए अगर इंप्लीमेंट कर रहा है, उसके एरोस्पेस कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है, तो फिर इंडियन कंपनी क्यों नहीं कर रही इसको. इसके कई जो है एडवांटेजेज है. यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, रेस्पॉन्ड टू चेंजेज इन द एनवायरमेंट. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्ड टू द नेगेटिव चेंजेज इन द एनवायरमेंट. दिस इज टू द क्विक डिसीजन. टॉप मैनेजमेंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग. The top manager can spend more time on the strategic planning. More time on the strategic planning पे top strategic planning करना, strategic management करना, वो top management का काम है. Strategy क्या होना चाहिए, उस strategy पे जो है आप जो है वो काम करता है. वो strategy क्या होना चाहिए. They can delegate all the routine, repetitive and the less important work to the project manager. Development of skills होना चाहिए. It helps the employee to widen their skills. Marketing people can learn about the finance. Finance people can learn about the marketing. Skills बन जाते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में. वहां पर दोनों आदमी मिलके काम करते हैं तो जो है उसमें आपको मार्केटिंग पीपुल फाइनेंस के बारे में जान जाता है. फाइनेंस का पीपुल जो है मार्केटिंग के बारे में जान जाता है. स्किल का डेवलपमेंट होता है. साउंड डिसीजन इज देयर इन ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. आपको साउंड डिसीजन होता है. All decisions are taken by the experts. There is a decision for the very good decision is there.